विश्व भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। हम एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप देश हम पढ़ महाद्वीप हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा महाद्वीप होगा अफ्रीका। अफ्रीका का एक परिचय हम देंगे कि अफ्रीका में किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी देश या कोई महाद्वीप पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि उसके किनारे के हम वाटर बॉडीज़ वगैरह को देख लें कि कौन कौन सी पढ़ती हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से पर, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से पर क्या हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और पश्चिमी हिस्से पर क्या है, पश्चिमी हिस्से पर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको जानना है कि पूर्वी हिस्से पर हिंद महासागर, पश्चिमी हिस्से पर अटलांटिक महासागर, उत्तरी हिस्से में क्या है, भूमध्य सागर है, क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। और उसके और भी साइड जाएंगे तो नीचे की तरफ मतलब यहाँ पे पड़ेगा लाल सागर, लाल सागर के बाद एक खाड़ी है अदन की खाड़ी, तो याद रखिएगा अदन की खाड़ी। और नीचे की तरफ आएंगे तो एक खाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं मापुतो की खाड़ी, मापुतो की खाड़ी। और इस तरफ हम आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी, क्या बोलते हैं, गिनी की खाड़ी। तो दरअसल इनको आपको इतना जानना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊपर भूमध्य सागर की तरफ। तो सब इस तरीके से दो क्वेश्चन आते हैं कि अफ्रीका का कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा नहीं लगाता है या किसकी लगती है। तो याद रखिएगा ऊपर की तरफ जो देश हैं जो भूमध्य सागर से सीमा का निर्धारण करते हैं, एक है मोरक्को, दूसरा है अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया, इतने देश पड़ते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। इनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। और याद रखिएगा भूमध्य सागर के अंदर ही दो खाड़ियाँ स्थित हैं जिनको बोलते हैं, एक खाड़ी है गावेज की खाड़ी और दूसरी है सिद्रा की खाड़ी, गावेज की खाड़ी और सिद्रा की खाड़ी। तो और देख लेते हैं इस साइड में लिखा हुआ है लाल सागर, लाल सागर। और दरअसल सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किन किन महाद्वीपों से कैसे कैसे पृथक होता है। तो एकदम एशिया की बात करेंगे तो लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में एक जलसंधि है जिसको बोलते हैं बाब अल मंडेब की जलसंधि, बाब अल मंडेब। ये हम पहले जब हम पश्चिमी एशिया बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था बाब अल मंडेब की जलसंधि। नीचे की तरफ है यमन और ये है जिबूती, ये कौन सा देश है, जिबूती, मतलब यमन और जिबूती के मध्य में स्थित है, या ये कहें अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है, या ये कहें हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच में, तब भी सही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जलसंधि है जिसको बोलते हैं बाब अल मंडेब। इस साइड में इस तरफ यूरोप है, इधर क्या है, अफ्रीका है, इनके बीच में एक जलसंधि इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जलसंधि। तो जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, कुंजी का इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही से होकर के भूमध्य सागर में एंटर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बातें इन अफ्रीका के बारे में। तो अब थोड़ा सा और भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। नीचे की तरफ एक और है जिसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। तो दरअसल मोजाम्बिक चैनल जो है वो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में पड़ता है, मोजाम्बिक चैनल, तो याद रखिएगा मोजाम्बिक चैनल को। तो ये हो गए जलराशियों की बात। अब हम थोड़ा सा देश देख लेते हैं कि कौन कौन से फेमस फेमस देश हैं इसमें, उनको जो पढ़ने के पर्पस इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर के मैंने बता दिया है कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, ये भूमध्य सागर से सीमा लगाते हैं। अब थोड़ा लाल सागर से सीमा लगाने वाले देशों को भी देख लेते हैं। तो लाल सागर से सीमा लगाने वाला पहला देश है मिस्र, मिस्र के बाद फिर सूडान, सूडान के बाद यहाँ पर एक देश पड़ता है इसको बोलते हैं इरीट्रिया, इरीट्रिया के बाद ये देश है जिबूती, जिबूती के बाद जिबूती तक, बस इतने देश जो है भूमध्य सागर से लाल सागर सीमा लगाते हैं, जिबूती, बस जिबूती वहीं पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर अदन की खाड़ी शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा लाल सागर से किसकी किसकी, मिस्र, सूडान, इरीट्रिया और जिबूती, इतने देश सीमा बनाते हैं। अगर जो बात करेंगे अदन की खाड़ी से, तो अफ्रीका का कौन सा देश अदन की खाड़ी से सीमा बनाता है, तो सिर्फ इकलौता दो देश है, एक जिबूती और बाब सोमालिया, दो देश पड़ते हैं। अब किनारे किनारे के देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो उनको हम देख लें। फिर जैसे ही हम ये आप मैप में भी देख सकते हैं, एटलस अपने साथ रखिए, उसमें आप मैप में देखते रहिए। तो इथोपिया यहाँ पे, इथोपिया के बाद फिर क्या, सोमालिया है, और जैसे ही हम सोमालिया के नीचे आते हैं तो एक देश पड़ता है केन्या। लेकिन दरअसल अगर जब इसको मैप में देखेंगे तो एक सिंह के जैसा दिखेगा, कैसा, सिंह मतलब हॉर्न के जैसा दिखता है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से आते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन शामिल है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करेंगे कौन कौन शामिल है, उनको हम देख लेते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में।
तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया है, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, ये सभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा ये वाला पोर्शन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आता है। उसके नीचे जब हम आएंगे तो केन्या है, केन्या के बाद एक और देश पड़ता है जिसको बोलते हैं तंजानिया। राजधानी वगैरह आप देख लीजिएगा, तंजानिया के से डोडोमो है, केन्या की नैरोबी है। तंजानिया के दो द्वीप हैं, एक पेम्बा जंजीबार, लौंग इलायची के लिए फेमस है, वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा यहीं पर इनका उत्पादन होता है। स्थित कहाँ पर, हिंद महासागर में स्थित हैं दोनों। उसके नीचे जैसे ही आते हैं एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद में एक और देश है जिसको बोलते हैं जिम्बाब्वे। मोजाम्बिक के नीचे जैसे ही आते हैं तो दक्षिण अफ्रीका शुरू हो जाता है, और दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक के बीच में एक स्थलरुद्ध देश स्थित है जिसको बोलते हैं स्वाजीलैंड। कौन सा, स्वाजीलैंड। स्थलरुद्ध देश वो देश होते हैं या भूमि आप बाधित देश कह सकते हैं, वे देश जिनकी कोई भी सामुद्रिक सीमा नहीं होती, चारों तरफ से भूखंड से घिरे होते हैं, भूमि बाधित देश कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक देश है स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड जैसे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के मध्यवर्ती क्षेत्र में एक और देश स्थित है जिसको बोलते हैं लेसेथो। लेसेथो, लेसेथो भी दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल बीच में स्थित है और एक भूमि बाधित देश है। इसकी चारों तरफ से किससे सीमा लगती है, दक्षिण अफ्रीका से ही सीमा लगती है। जैसे ही इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे नामीबिया, नामीबिया के बाद बोत्सवाना है। तो याद रखिएगा जो ये बाउंड्री दिख रही है किसकी है, ये बोत्सवाना है, और बोत्सवाना के ऊपर क्या है, ये नामीबिया दिख रहा है, नामीबिया। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा नामीबिया की सीमा किससे नहीं लगती, किससे लगती है, बोत्सवाना की किससे लगती है, इस तरीके याद रखिएगा। तो एक बार मैंने देखा क्वेश्चन में पूछा गया नामीबिया की सीमा किससे नहीं लगती है या लगती है, तो याद रखिएगा नामीबिया की सीमा किससे लगती है, दक्षिण अफ्रीका से लगती है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और अंगोला, इतने देशों से जाम्बिया नामीबिया की सीमा लगती है। फिर बोत्सवाना की बात करेंगे तो बोत्सवाना में बिल्कुल वैसे ही नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और याद रखिएगा जाम्बिया से सीमा बोत्सवाना की नहीं लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ एक देश है जिसको बोलते हैं अंगोला, अंगोला के बाद में यहाँ पे जिम्बाब्वे मैंने बताया ही है, उसके ऊपर पड़ता है एक देश जिसको बोलते हैं ये युगांडा, ये वाला देश जो है ये युगांडा बोला जाता है, युगांडा। अभी हम आएंगे नदियों पे तब हम इसके बारे में बताएंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं उनको हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। दरअसल मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया इन तीनों को अफ्रीका माइनर देशों के नाम से भी जाना, माइनर मतलब प्रवेश करने के लिए यूरोप के बाद जैसे आते हैं तो इसमें आ जाते हैं, और एटलस पर्वत श्रेणी भी इन्हीं तीनों में फैली हुई, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया में। मोरक्को के जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक देश है जिसको बोलते हैं पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के नीचे एक और देश है जिसको बोलते हैं मारितानिया, तो ये मारितानिया देश है। मारितानिया के बाद में यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे देश हैं, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन हल्का सा जान लीजिए, राजधानी वगैरह इनकी याद रखिएगा, इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक देश है सेनेगल, सेनेगल के बाद में एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं गाम्बिया, गाम्बिया के बाद ये गाम्बिया दिख रहा है, और गाम्बिया एक ऐसा देश है जिसकी चारों तरफ से, तीन तरफ से सीमा सेनेगल से, एक तरफ से अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। फिर उसके बाद में एक और देश है जिसको बोलते हैं गिनी बिसाओ, गिनी बिसाओ के बाद में एक और देश है जिसको बोलते हैं सियेरा लियोन, इनकी राजधानियाँ इंपॉर्टेंट है, बाकी देश का कोई महत्व नहीं है, राजधानियाँ याद रखिएगा। फिर देश है सियेरा लियोन, सियेरा लियोन के बाद एक और देश पड़ता है जिसको बोलते हैं लाइबेरिया, लाइबेरिया के बाद में एक और देश पड़ता है जिसको बोलते हैं आइवरी कोस्ट, एक देश है कौन सा, आइवरी कोस्ट, ये है आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट के जस्ट पास में बिल्कुल स्थित है जिसको बोलते हैं घाना, घाना के बाद एक देश है जिसको बोलते हैं टोगा, ये क्या, टोगा, टोगा के बाद एक देश है जिसको बोलते हैं बेनिन, बेनिन, बेनिन के बाद फिर नाइजीरिया है। दरअसल और भी देश हैं यहाँ पे लेकिन और देश इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको जानना कोई खास जरूरी नहीं, ऊपर चाड, कैमरून वगैरह देश भी पड़ते हैं यहाँ पे, और हम देखेंगे तो गैबन है, कांगो देश वगैरह भी यहाँ पड़ते हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए उनको सभी मैपों को जानना जरूरी नहीं है। तो अब याद रखिएगा इतने देश पड़ते हैं। तो ये तो हो गई देशों की बात, देशों की बात मैंने बता दिया। अब हम बता दें कि अफ्रीका का बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र क्या है, मतलब क्या कहलाता है, अंतरीप कहलाता है। दक्षिणी क्षेत्र क्या है, अंतरीप है, इसका नाम है आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी क्षेत्र क्या है, केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है या आशा अंतरीप। तो ये अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु भी है। तो और हम देख लेते हैं यहाँ की थोड़ा सा नदियों के बारे में भी, नदियों से क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा हल्का समय बताऊंगा, बाकी नदियों का मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा नदियों के बारे में, तो लेकिन हल्का समय बता दूं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ की नदी है जिसको बोलते हैं नील नदी, सब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन सा बांध स्थित है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, या किस देश में नहीं बहती है। दरअसल नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से होता है, कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील की सीमा तीन देशों से लगती है, एक है केन्या, युगांडा, तंजानिया, तीन देशों से सीमा लगती है जिसको क्या बोलते हैं, विक्टोरिया झील से।
तो विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है जिसको बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है उसको बोलते हैं श्वेत नील नदी, मतलब सफ़ेद नील नदी। सफ़ेद नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है, जो ये रेड कलर का दिख रहा है विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील। और एक दूसरी नदी है जिसको बोलते हैं नीली नील नदी, नीली नील नदी इथियोपिया की टाना झील से निकलती है, टाना झील से। टाना झील से निकलने के बाद में ये दोनों नदियाँ आपस में एक दूसरे से सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती हैं, खार्तूम में। और खार्तूम में मिलने के बाद ये क्या कहलाती है? नील नदी कहलाती है। फिर आगे चल करके भूमध्य सागर में गिर जाती है। भूमध्य सागर में इसी के मुहाने के पास में मिस्र का बंदरगाह स्थित है जिसको बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। गीजा के पिरामिड वगैरह भी नील नदी के पास में स्थित हैं। तो याद रखिएगा नील ने इस पर एक आसमान बांध का भी निर्माण किया है। हम आगे नदियों के बारे में जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे। दूसरी एक फेमस नदी है जिसको बोलते हैं कांगो नदी, फेमस नदी है कांगो नदी। कांगो नदी से क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कांगो नदी दरअसल विषुवत रेखा को दो बार काटती है, ऊपर से जाती है फिर इस तरीके से। गैबन है, कांगो है, युगांडा, केन्या, तंजानिया, ये सब देशों से होते हुए क्या विषुवत रेखा गुजरती है, यहीं पे गैबन पड़ता है। गैबन के बाद कांगो है, कांगो के बाद फिर डोमिनिकन कांगो है। तो याद रखिएगा जितने भी देश हैं उनको आप देख लीजिएगा किससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो कांगो नदी क्या है? कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, ये क्वेश्चन आता है। फिर एक और यहाँ पे फेमस नदी है जिसको बोलते हैं जम्बेजी नदी, जम्बेजी नदी। जम्बेजी नदी पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक किन दो देशों की सीमा का निर्धारण करती है, तो कुछ हद तक ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा का निर्धारण करती है। इस पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, कौन सा बांध स्थित है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो जलप्रपात की बात करेंगे तो विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात जिसको म्यूसोटोनिया के नाम से भी जाना जाता है, ये यहीं पर स्थित है जाम्बिया में ही। और यहाँ पे अगर जो हम बात करेंगे एक बांध की, तो यहीं पे करीबा बांध बनाया गया है। करीबा बांध याद रखिएगा, करीबा बांध एक गार्ज का निर्माण जिसको बकोटा गार्ज बोलते हैं, बकोटा गार्ज, तो यहीं के पड़ता है उसी के नीचे ही। तो याद रखिएगा। तो ये आगे चल करके कहाँ गिर जाती है? आगे चल करके ये मोजाम्बिक चैनल कहीं या हिंद महासागर में गिर जाती है। तो ये तो हो गई बात। तो नीचे की तरफ एक और नदी है जिसको बोलते हैं ऑरेंज नदी। और नदी की खास ये है कि ये दक्षिण अफ्रीका के ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलते हुए आगे चल करके वेल्ड घास के मैदानों को विभाजित करते हुए ये आगे चल करके अटलांटिक में गिर जाती है। अटलांटिक मतलब कि अटलांटिक की तरफ बहने वाली नदी है। तो ये तो हो गई बातें नदियों की। नदियों की बात करेंगे, यहाँ पे और भी एक नदी है जिसको बोलते हैं नाइजर नदी और वोल्टा नदियाँ, ये भी फेमस हैं, लेकिन सेनेगल नदी, लेकिन हम नदियों बताएंगे। तो याद रखिएगा फेमस फेमस नदियाँ इतनी हैं। एक है जिसको बोलते हैं जाम्बिया, जाम्बेजी नदी, कांगो नदी, नील नदी और ये ऑरेंज नदी, इतनी फेमस फेमस नदियाँ हैं। एक और यहाँ पे एक नदी है जिसको बोलते हैं अवाकांगो नदी, अवाकांगो। अवाकांगो अवाकांगो नदी दरअसल ये आंतरिक क्षेत्र से निकलती है और आगे चल करके कालाहारी मरुस्थल में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। ये विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक डेल्टा है, मतलब कि ऐसा डेल्टा जो किसी भूमि से बाधित है, मतलब कि ये कहीं समुद्र में या कहीं नदी झील कहीं ऐसा कुछ नहीं कि कहीं नदी में या समुद्र में बनता हो। ये आगे सिर्फ ये आंतरिक क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल में ही डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये कौन सा? अवाकांगो डेल्टा बोलते हैं उसको। तो याद रखिएगा अवाकांगो डेल्टा ये नामीबिया के पास में कालाहारी मरुस्थल में बनता है। तो ये तो वही बात उसकी। अब थोड़ा सा मरुस्थल भी देख लेते हैं कौन कौन से दरअसल मरुस्थल का नाम आता है। तो सबसे पहले दिमाग में सहारा मरुस्थल का नाम आ जाता है। तो सहारा मरुस्थल की बात करेंगे तो अफ्रीका का जितना भी उत्तरी क्षेत्र है लगभग 11 देशों में ये फैला हुआ मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। फिर हम और बात करेंगे यहाँ के, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या है, सब वर्षावन पाए जाते हैं, वर्षावन वगैरह पाए जाते हैं। उसी के पास में जैसे आएंगे तो यहाँ पे कुछ हद तक घास के मैदान है जिसमें सवाना की संख्या दी जाती है, सवाना। तो और हम जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे दरअसल मरुस्थली क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे दो फेमस मरुस्थल है, काराहारी है, दूसरा नामिब मरुस्थल है। नामिब मरुस्थल, नामिब मरुस्थल का विकास ही सिर्फ कहाँ तक हुआ है? नामिब मरुस्थल का विकास नामीबिया में हुआ है। यह अटलांटिक महासागर के तट के सहारे फैला हुआ है। इसके तट को स्केलेटन कोस्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि दरअसल बहुत पहले यहाँ पे जहाज जो थे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे, तो यहाँ पे उनके कंकाल वगैरह मिलते थे, इसलिए इसको तट को स्केलेटन कोस्ट की संज्ञा दे दी गई। क्योंकि दरअसल जानते होंगे इसी के पास से वेंगुएला की जलधारा बहती है। वेंगुएला की जलधारा का बहाव बहुत तेज होने की वजह से जितनी भी नावें थी साइड किनारे की तरफ आ जाती थी, ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी, जिसकी वजह से इस तट को मतलब नामीबिया का तट स्केलेटन कोस्ट के नाम से जाना जाता है, स्केलेटन कोस्ट, याद रखिएगा। उसी के ऊपर एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल इंपॉर्टेंट इसलिए, कालाहारी मरुस्थल से दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कौन सी जनजाति रहती है, तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? बुशमैन रहते हैं और होटेन टोट्स भी रहते हैं।
तो याद रखिएगा। और यहाँ की बात करेंगे नामीबिया की, तो नामीबिया में कौन रहते हैं? सैन रहते हैं, सैन कबीलाई जनजाति जो यहाँ पर रहती है। तो ये तो हो गई इसकी मरुस्थल की बात। मरुस्थल की बात करेंगे तो ये वाला क्षेत्र भी ये काफ़ी ज़्यादा मरुस्थलीकृत क्षेत्र है, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम जब फिजिकल फीचर के बारे में बताएंगे तो ही बताएंगे। तो और हम देख लें यहाँ पे कौन कौन से द्वीप हैं, द्वीपों की बात करेंगे तो द्वीपों के मामले में भी अफ्रीका महाद्वीप बहुत ही आगे चल करके इसमें देखेंगे द्वीप, तो काफ़ी फेमस द्वीप यहाँ पे भी हैं। जैसे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ द्वीप पड़ता है, इसको बोलते हैं कनारी द्वीप। दरअसल कनारी जलधारा के नाम पर रखा हुआ एक द्वीप है, क्योंकि जानते होंगे इसी के पास से कनारी जलधारा बहती है, सब ठंडी जलधाराएँ ही हैं। तो ये याद रखिएगा कनारी जलधारा। दरअसल आगे हम जब जलधारा का वीडियो में बताएंगे, दरअसल विषुवत रेखा से कोई भी जलधारा जो दूर की तरफ जाती है वो गर्म होती है, मतलब जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएगी वो कैसी होगी? गर्म होगी। और जो ध्रुवों की से विषुवत रेखा की तरफ आएगी वो ठंडी होती। तो ये सब क्योंकि विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, ऊपर से नीचे की तरफ ये आती तो कैसी है? ठंडी है। और ये नीचे की तरफ जो बेंगुएला आती वो भी इसी तरीके से आती, वो भी कैसी है? ठंडी ही है। तो याद रखिएगा इन दोनों को। अब थोड़ा द्वीपों पे देख लेते हैं। तो एक द्वीप दिख रहा है करारी द्वीप। करारी द्वीप के पास में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं केप वर्डे द्वीप। केप वर्डे द्वीप की बात करेंगे, यहाँ पे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं एसेंशियंस। एसेंशियंस के पास में एक और द्वीप दिख रहा है सेंट हेलेना द्वीप। वही द्वीप है जिसमें नेपोलियन को यहाँ पे सजा सुनाई थी, यूके ला करके उसको यहीं पे कैप्चर कर दिया था सेंट हेलेना द्वीप पे, जहाँ पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर और हम देख लेते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे पेम्बा और जिंजीबार मैंने बता दिया। उसी के पास में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सेसल्स द्वीप। और उसी के पास में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं कोमोरोस द्वीप। के नीचे एक और अब जब आएंगे तो एक द्वीप है रियूनियन द्वीप। किसके अधिकार क्षेत्र में? फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में। तो इनको याद रखिएगा कौन सा किसके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन इसी के पास में एक और मॉरिशस द्वीप भी पड़ता है, मॉरिशस। तो ये तो होगा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी उनको मैंने बताया है। ऊपर की तरफ देख लीजिए, एक पड़ती है सिनाई प्रायद्वीप, जैसे लिखा हुआ है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप हिस्सा किसका है? मिस्र का हिस्सा है। और सिनाई प्रायद्वीप को काट करके स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। तो 1859 में बनना शुरू हुई, 69 में बन के तैयार हो गई स्वेज नहर, जिसको सिनाई प्रायद्वीप काट करके बनाया गया है, जो भूमध्य सागर और स्वेज की खाड़ी को आपस में जोड़ने का काम करती है। इससे क्या हुआ है कि लाल सागर और भूमध्य सागर आपस में जुड़ गए हैं। तो ये रही अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको जानना है। आगे हम अगले वीडियो में हम अफ्रीका महाद्वीप के जो फिजिकल फीचर होंगे उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।